केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्माण में रुके हुए 5,44,000 रुपए के भुगतान के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने जूनियर इंजीनियर धीरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। धीरज सिंह बराबर ठेकेदार पुनीत जिंदल पर भुगतान पाने के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत देने का दबाव बनाए हुए था। परेशान ठेकेदार ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग से की थी। इस पर आज टीम ने कचहरी के निकट अंबेडकर प्रतिमा के सामने से धीरज सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पुनीत का आरोप है कि विभाग के अधिशासी अभियंता YN चौधरी भी भ्रष्ट हैं। वह पहले गौतम बुद्ध नगर में भी भ्रष्टाचार के मामले में फंस चुके हैं और उन पर विजिलेंस जांच भी चल रही है। हाल ही में ट्रांसफर होकर मेरठ आए हैं और यहां भी उन्होंने वसूली शुरू कर दी है। पुलिस ने सिविल लाइन थाने में अवर अभियंता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस गिरफ्तारी के बाद फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से वार्ता करते हुए ठेकेदार पुनीत जिंदल ने यह जानकारी दी। जी, पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे और साथ में जानना चाहेंगे, देखें कि जो अभी एक घटना पूरा एक मामला कुछ खुलासा हुआ है, क्या कुछ है? ये जो है 5,44,000 रुपए, मेरा पुनीत जिंदल नाम है जी। 5,44,000 रुपए का भुगतान लंबित था तो उसके लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। किस विभाग थे? ग्रामीण अभियंत्रण विभाग PIU मेरठ में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सड़क निर्माण हो हुआ था तो उसमें मेंटेनेंस पीरियड चल रहा था। किसने मांगे थे ये? जो जई हैं धीरज कुमार, अवर अभियंता धीरज कुमार, उन्होंने मांगे थे। और उसका एक्शन और यहाँ पे जो अभी चार्ज लिया है 12 तारीख में शायद YN चौधरी एक्शन है, वे पहले भी बहुत भ्रष्ट हुए एक्शन है, उनके द्वारा इन पर दबाव डाला गया और उनके बाद जब दबाव डाला गया तो फिर इन्होंने जो है काम कब किया था आपने, कब से लंबित था आपका पेमेंट? ये तो मेरा 31 मार्च 2024 को मेरा टाइम पूरा हो चुका रख रखा होगा मेरा जो 31 मार्च 2024 को मेरा जो समय अवधि है वो पूर्ण हो चुकी है। कौन सी सड़क का था ये? 52-57 पैकी संख्या थी, छूर कालिंदी मार्ग था, मेरठ करनाल रोड पे छूर कालिंदी मार्ग। कुल कितना बजट था इसमें आपका? जो इस टाइम जो भुगतान जो लंबित था वो मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस का जो वो था वो 5,44,000 समथिंग रुपए था, मतलब 5,44,000 मान लीजिए मोटा मोटी। टोटल कितना मांगा था इन्होंने आपसे? इसका 40,000 रुपए मांगा था। कब आपने शिकायत की थी इसमें? इसकी मैंने जो है 13 तारीख में शिकायत की थी। कहाँ की थी ये? मैंने एंटी करप्शन के ऑफिस में की थी। तो क्या आपने इनसे रिक्वेस्ट भी करी थी कि वे रिसोर्स? हाँ, मैंने पहले इन्होंने मेरे फोन पे करा तो मैं इनकी बात को अवॉइड कर गया था सुनो में उससे पहले, लेकिन जब इनके द्वारा मुझे मैसेज करा गया और फिर जब मैसेज करा गया तो उसके बाद में फिर मैं जब जाके इन्होंने मेरे को मैसेज में हाँ जी कब से चक्कर कटा रहे थे? नहीं, चक्कर तो ये काफी टाइम से चल रहा था। ये क्या क्या के रिश्वत मांग रहे थे? ये रिश्वत ये क्या क्या मांग रहे थे कि अगर तुम्हें समय से जो भुगतान कराना है तो पैसे दो इसमें। अभी आपका कितना भुगतान रुका हुआ है? अभी मेरा 5,44,000 रुपये भुगतान रुका हुआ है, उसके एवज में 40,000 जी, उसके एवज में 40,000 रुपये मांगे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।